सो कि गाइस हाउ आर यू, मैं हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ना आज हमारा फिजियो का लेक्चर था प्रैक्टिकल का, तो हम फिजियो लैब में गए। फिजियो लैब में ना तो सोचते थे चलो आज ना मैं तुम्हारे को ना ब्लड सैंपल की कलेक्शन करना सिखाता हूँ। तो दे वांटेड अ डोनर, तो मैंने कहा हाँ हाँ मैं अपना खून दान मैं दान करूँगी अपना खून। तो ना सर ने फिर ना कहा कि ठीक है, तो फिर हमने रिस्ट से खून निकालना था, तो सर ने मेरा हाथ लिया। तो उसका सबसे पहले करना, सर ने कहा कि रिस्ट को अच्छे से टाई कर दो। उसके बाद उसको ना सर ने क्लीन किया कॉटन स्वैप, स्पिरिट स्वैप के साथ। सर ने उसको अच्छे से मेरे हैंड को पहले क्लीन किया, फिर उसको उसके बाद सर ने कहा कि जो फिस्ट है ना अपनी क्लोजली टाइट कर लो। मैंने कहा ठीक है। फिस्ट को हमने क्लोजली टाई करके फिर अच्छे से सर ने फिर कॉटन स्वैप से उसको साफ किया। उसके बाद सर ने कहा कि सिरिंज लिए। सर ने फिर सिरिंज के बेसिक्स बताया कि ये सिरिंज होती है ऐसे। सर ने कहा कि ये सिरिंज है, दिस इज़ अ सिरिंज। फिर सर ने सिरिंज के बाद बताया, सिरिंज खोल के दिखाया कि ये वाली सिरिंज होती है और ये वाली नीडल होती है। तो ये देखो ये वाली सिरिंज है जो सर दिखा रहे हैं, और उसके बाद जो ये वाली नीडल है। तो सर ने हमें दिखाया कि ऐसे सिरिंज और नीडल। फिर सर ने बताया कि ये वर्क कैसे करेगी। तो फिर उसने कहा कि एक्स्ट्रा, पहले सर ने कहा कि एक्स्ट्रा एयर जो होती है ना पहले सिरिंज को सेट कर लो, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा एयर होती है सर ने कहा था एक बार पुश करके नोजल को एक्स्ट्रा एयर निकाल लो कि बाद में ब्लड वो ना हो जाए। तो उसके बाद सर ने सब हमारे को सिरिंज के बेसिक समझाए कि सिरिंज के वो कैसे करती है। फिर सर ने फिर कहा कि सर उसके बाद हमने ना टाइटली ना वेन को पकड़ के ना थोड़ा सा पुश करना है, और उसके बाद पुश करके ना करेक्ट वेन ढूंढनी है। सर ने फिर कहा कि अच्छे से वेन ढूंढने जिसमें से हमें ब्लड निकालना है, ठीक है। तो उसके बाद सर ने हमारे को ना बताया कि सिरिंज वर्क कैसे करेगी, कैसे हमने सिरिंज को मतलब वेन के अंदर इंसर्ट कैसे करना है, और थोड़ा सा ऐसा कुछ बताया सब अच्छे से। सर ने बताया कि जो पहले वेन ढूंढ के ना फिर उस वेन को पुश करना है, सिरिंज को इंसर्ट करने से पहले वेन को थोड़ा सा पुश करना है, थोड़ा सा पैल्पेट करके देख लेना कि यहाँ ये फील करनी है वेन। फिर उसके बाद जब हमने सिरिंज अंदर डाल दी, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता प्यार प्यार से आराम आराम से ब्लड को बाहर निकाल लेना है। जैसे कि ये देखो सर निकाल भी रहे हैं, हमने आहिस्ता आहिस्ता ब्लड को बाहर निकाल लिया, बट कंडीशन अप्लाई कि सिरिंज मूव नहीं कर रही थी। अगर सिरिंज मूव करेगी तो पेन होगी और ब्लड थोड़ा सा इधर उधर मतलब कि वेन डैमेज हो सकती है। तो हमने बहुत ही आराम आराम से करना है, और फिर हमने जब ब्लड निकाली तो स्लोली स्लोली सिरिंज आउट ले लेनी है और कॉटन उसके ऊपर रख देना है, सिरिंज आराम से बाहर ले आनी है, ठीक है। फिर सर ने हमें दिखाया कि ये ब्लड ऐसे मतलब ब्लड सैंपल तो हमने ले लिया, अब हमने ब्लड सैंपल ले लिया, फिर हमें सर ने बताया कि ब्लड सैंपल को हमने टेस्ट ट्यूब में कैसे डालना है। फिर सर ने वो मेरे जो टाई किया था वो निकाल दिया, और अपनी जो फिस्ट है वो ओपन कर लेनी है। फिर सर ने हमें बताया कि टेस्ट ट्यूब में कैसे लेना है। सो ये था मेरा ब्लड कलेक्शन का एक्सपीरियंस। तो तुम भी अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।